मैरी क्रिसमस, थैंक यू जारक्रासी। सबकी खुशियों में हम आपके साथ हैं। किसी भी और चीज़ की ज़रूरत हो तो ये रोफिन आपके इलाके में रहते हैं, आपने इनको बता देना है। और बस आज का दिन आपको मुबारक हो, आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। शुक्रिया जाग कराची। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रुफिन रियाज और आप देख रहे हैं जाग कराची। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है, जाग कराची ने वादा किया था कि हम इस क्रिसमस के मौका पे जो है मसीही ख़ानदान के अंदर जो है कुछ राशन की तकसीम करेंगे। और इस राशन की तकसीम के लिए जाग कराची के रज़ाकार बल्कि हमारे जाग कराची के फाउंडर जनाब उमैर वाहब साहब भी मौजूद हैं, और उनसे हम बात करते हैं कि ये सारी कोशिश जो है कोरोना में भी बहुत से लोगों की, जाग कराची ने बिला रंग और नस्ल जो है सब में राशन की तकसीम की। और अब वो वक्त है कि जब क्रिसमस में मसीही ब्रादरी जो है क्रिसमस की खुशियां सेलिब्रेट कर रही है, तो आए हम जाग कराची के फाउंडर जनाब उमैर वहाब साहब से बात करते हैं कि वो इसमें जो है ख़ुद रातों को जाग कर ये काम जो है बड़े शफाफ तरीके से कर रहे, कैसे मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सबसे पहले मेरी तरफ़ से तमाम मसीही ब्रादरी को पूरी दुनिया में क्रिसमस की मुबारकबाद। रोफिन आपका शुक्रिया कि आपने तचंट्रो दिया। और पाकिस्तान क्योंकि कायद अजम मोहम्मद अली जिना के फरमुदात की रोशनी में बना, और कायद अजम रहमतुल्लाह अलैह जैसे फरमाया था कि पाकिस्तान वो ऐसी जगह होगी जहां तमाम अकलियतें अपने फेथ को भरपूर आज़ादी के साथ प्रैक्टिस कर सकेंगी, जिसकी गमाजी आज और गुज़िश्ता 72 सालों से हो रही है। आज की जो सिलसिला है वो जाग कराची की तरफ से राशन की तकसीम का है, क्योंकि जाग कराची इंसानियत पे बिलीव रखने वाली एक गैर सियासी समाजी तंजीम है। और आज की इस राशन की तकसीम को मुमकिन बनाने में हमारे साथ भरपूर तरीके से तआवुन फरमाया है करीम हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड ने। हमने उनको कल रात में उनसे उनके एमडी साहब से हमने फ़ोन पे बात की, गुजारिश की, और उन्होंने बड़ा खुश हुए और उन्होंने कमोबेश तकरीबन 300 घरों का राशन उन्होंने हमारे लिए आपके लिए अरेंज जो है करवा दिया। सबकी खुशियों में हम आपके साथ हैं। किसी भी और चीज़ की ज़रूरत हो तो ये रोफिन आपके इलाके में रहते हैं, आपने इनको बता देना है। और बस आज का दिन आपको मुबारक हो, आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोग मेरे घर पे आए, मेरा ख्याल रखा, आपको बहुत ज़्यादा खुदा बरकत दे और उस बेटे को भी खुदा बरकत दे। हैप्पी क्रिसमस, शुक्रिया जाग कराची। आपको आज का दिन मुबारक हो, बाकी जो हम कर सकते हैं यही इंशाअल्लाह टॉपिक दे और करते हैं। थैंक यू याद कराची। इस वक्त हम सेंट डोमिनिक चर्च एफसीरिया पैरिश में मौजूद हैं और यहाँ के मास्टर जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आइन से बात करते हैं कि क्रिसमस की प्रेयर कैसे होती हैं और पाकिस्तान के अंदर जो है सिक्योरिटी दारों की तरफ से क्या कैसी सिक्योरिटी इनको मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम,
मेरा नाम मास्टर जुएब जावेद है, जैसे कि भाई ने बताया है। आज क्रिसमस का खास मौका है। क्रिसमस का खास मौका जो है वो मसीह खुदावन की विलादत की ईद है बेसिकली। और जब हम विलादत की ईद मनाते हैं तो वो बड़ी जोश और जज्बे और मोहब्बत और प्यार के साथ मनाई जाती है। क्रिसमस का बेसिक जो बुनियादी जो उसका मकसद है और जो इसे मनाने की बुनियादी वजह है वो यही है कि मसीह के प्यार और मोहब्बत को दुनिया भर में फैलाया जाए। जब हम दुनिया भर की बात करते हैं तो दुनिया भर में आज की इस खूबसूरत रात में क्रिसमस की खुशियां जो हैं वो बड़ी शान और शौकत के साथ मनाई जा रही हैं और दुनिया भर में मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ या गानगत के साथ इस ईद को मनाया जा रहा है। इस ईद को मनाने के लिए इबादतें मुनक्कद की जाती हैं और इन इबादात का जो बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है कि अमन का शहजादा जो हमारे दरमियान में आता है वो हमारे मुल्क को, हमारी कौम को और तमाम अकवाम को अमन, सुलह और सलामती में कायम रखे और इसी में कायम रखने के साथ साथ दुनिया भर को अपनी बरकत से नवाजे, जो बरकत आज से 2200 बरस पहले उसने गडरियों को बख्शी, वो नूर जो उन पर चमका और उस नूर से मुनव्वर होकर वो दुनिया भर में अमन का पैगाम लेकर चले। आज हम सब के लिए भी यही अमन का पैगाम है कि मसीह खुदावंद इस दुनिया में एक बार फिर से हम सब के दरमियान में आता है और हमें एक होने का मौका अता करता है ताकि हम एक हों और यगानगत के साथ, मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगियों को बिला तफ़रका मनाएं। तो मुल्क पाकिस्तान में भी सिक्योरिटी अदारे जो हैं वो हमारी इबादात में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हमें सिक्योरिटी फ्राहम करते हैं, हर तरह से वो हमारे साथ होते हैं। क्रिसमस हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये सुभाष जो पूरी दुनिया का बादशाह है वो हमारे लिए पैदा हुआ थे, हम लोग इसलिए क्रिसमस मनाते हैं। और ये कॉस्ट्यूम हम लोग इसलिए पहनते हैं, ये ऑल्टर के खादमीन, हम लोग खुदा के खादमीन हैं। ऑल्टर पाक अल्तार है जहाँ पे खुदा उनकी पाक कुर्बानी चढ़ाई जाती है, हम लोग सब उसका काम करते हैं। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा है सुबह इसको फॉलो करते हुए मसीही बरादरी जो है बड़े पुरजोश तरीके से है क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं और सिक्योरिटी इदारों की तरफ से मुकम्मल सिक्योरिटी प्लान को जो है इनको फरहाम किया गया है ताकि किसी भी किस्म का कोई भी सानिया जो है ना पेश आए। और जहाँ कराची ने इस क्रिसमस के मौका पर जो है मसीहों में गिफ्ट्स को जो है तकसीम किया है और हमारे ऐसे तमाम प्रोग्राम्स को देखने के लिए देखते रहिए जाग कराची। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।